नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके रियल स्पार्क चैनल पे। और दोस्तों, ये वीडियो पुराने वीडियो का एक पार्ट है, अलग भी है, हॉलीवुड फिल्मों की तरह है, जैसे उसमें अंत में दिखा देता है कि ऐसा होगा, लेकिन वो एक्सप्लेन भी नहीं करते हैं और कई बार वो एक ही पार्ट में छोड़ देते हैं। आप पहले वीडियो को देखेंगे, इससे पहले वाले पार्ट को, तो आपको मजा आएगा। आप अगर सेकंड भी देखते हैं तो और मजा आएगा, आप समझ जाएंगे। पहले वीडियो में मैंने बताया है कि लोको शेड यानी कि लोकोमोटिव शेड किस काम में आते हैं और वो क्या होते हैं, उनकी क्या खूबी होती है। इस वीडियो में बताऊंगा कि भारत का सबसे बड़ा लोकोमोटिव शेड कहाँ पर है। दोस्तों, अब मैं आपको क्लियर कर दूं कि भारत में दो बड़े लोकोमोटिव शेड है। मैंने आपको पुराने वीडियो में दिखाया था, बताया भी था, आप देख लीजिएगा कि लोकोमोटिव का मतलब होता है रेलवे इंजन, और ये तीन प्रकार के होते हैं, डीजल के होते हैं, इलेक्ट्रिक के होते हैं, भाप के होते हैं। तो इसी तरह से इन तीन प्रकार के इंजनों को रखने के लिए यानी उनके मेंटेनेंस के लिए, उनको घर बनाने के लिए अलग अलग लोकोमोटिव शेड बनाने पड़ते हैं। तो भारत में जो सबसे बड़ा डीजल लोकोमोटिव शेड है वो है विशाखापट्टनम में। यहाँ पर 203 लोकोमोटिव जो है रखे जाते हैं और इसकी क्षमता इतनी बड़ी है कि यहाँ पर 300 से ज़्यादा लोकोमोटिव को आराम से रखा जा सकता है, उनको मेंटेन किया जा सकता है। इसी तरह दोस्तों, जो झांसी का लोकोमोटिव शेड है वो सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव शेड है। यहाँ पर 207 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव रखे जा सकते हैं और इसमें टोटल जो इसकी क्षमता है वो काफ़ी बड़ी है दोस्तों, और ये नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के अधीन आता है। अब आप समझ गए कि भारत में दो बड़े लोकोमोटिव शेड हैं, एक डीजल के और एक इलेक्ट्रिक के, और दोनों की क्षमता 200 से ज्यादा है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों परिचितों को जरूर शेयर कीजिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और दोस्तों, रेलवे से संबंधित किसी भी जानकारी को जानने के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हमारे ईमेल पते पे आप हमें मेल भी कर सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा दोस्तों। तो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नई जानकारी, कुछ नया ज्ञान लेके।